इंडिविजुअल मेंबर पार्लियामेंट बीकानेर से के वो आए आज आपके बीच में आकर एक ऐसी खुशबू आ रही है, कहीं से किसी बाप की शफकत आ रही है, कहीं से किसी भाई का प्यार आ रहा है, कहीं से बच्चों का स्नेह मिल रहा है। ऐसा माहौल मैं उस गांव का बच्चा हूं जिसे उस मालिक को अन्नदाता कहते हैं, उसके बाद अन्नदाता ही कौन है। कहते हैं कि आदम और हव्वा ने दाने गंदम खाया था तो उन्हें एहसास हुआ कि, लेकिन ना जाने क्यों एक जाट होने के नाते गर्व महसूस होता। मुझे लगता है कि आदम और हव्वा से पहले हमारी कौम पैदा हो चुकी थी। जिसने दाना गंदम पैदा किया और दाना गंदम को खाकर आदम को जोश आ गया। हम लोग हर काम के लोग कहते हैं दिमाग सेहत से काम लेते हैं, दिल से काम लेते हैं। हम भी सेहत और दिल से काम लेते हैं, मगर मालिक ने एक हमारे अंदर एक ऐसी चीज फिट की है जिसका नाम है कलेजा। हम कलेजे का इस्तेमाल ज्यादा कर जाते हैं और ऐसी लंबी छलांग जाते हैं कि दूसरे वाले देखते रह जाते हैं, यार ये जाट कहां की कहां चले गए। हर तरफ हमारी कौम के लोग अग्रसर हैं, बढ़ रहे हैं। कोई भी मैदान में सबसे बड़ा काम जो हम कर रहे हैं वो अनाज जो पैदा करते हैं और दूसरा हम देश की जो रक्षा करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता फिल्मों में काम करने भी आगे नहीं जा रहे, क्रिकेट में भी जाट छाए हुए हैं। जहां जाते हैं कुछ अनोखा ही कर देते हैं। आज जैसे ये नकारे की नोट पर ये नाच रहे थे, नाच रहे क्यों ऐसे लगा यार। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस कौम में पैदा हुआ। मैं उनका नाम आते ही सचमुच मेरे बालों के रंग खड़े हो जाते हैं। इन्होंने क्या निजात दिलाई थी हमारी गांव को। हम हर शोबे में आगे हैं और मैं चाहूंगा एक आपसे इल्तिजा करूंगा आज कि कुछ लोग हमें लठमार कह देते, अब हमें ये बताना चाहते हैं कि ये लठमार मोहब्बत करने में सबसे आगे है। हर गांव से बिना मजदूर मिलता हम इतना प्यार करें, इतना प्यार दिखाएं कि कहीं यार चार तो प्यार में भी बाजी देखें। जिसमें हमारी जीत होगी प्यार में तो हम तो राज करेंगे, जो ऊपर जो दिलों पे राज करते हैं वो उनका राज करने का होगा। प्यार है मेरी दुआ है दिलों पे राज करना सीख लो मेरे जाट भाइयों, हम हमेशा ही आगे रहेंगे। मुझे चाहता था आपके साथ बैठूं, लेकिन मेरे कई प्रोग्राम थे, जाने कल दादाजी ने बताया कि ये तुम्हारा फंक्शन है। मैंने कहा मैं पीछे कैसे रहूंगा, मैं जरूर आऊंगा, शायद थोड़ी देर के लिए आऊंगा जरूर। मैं बीकानेर में जब अपने इलेक्शन के लिए गया तो एक जाट भाई आया था, कौन से जाट है यार। मैंने यार ब्राह्मण ब्राह्मण सुनेंगे जाट होती है, जाटों में जाट कहाँ से पैदा हो गए यार। मुझे कौन से जाट है, मैंने दफर सुना तीन का जाट जा गया। मैं वो जाट जो खाट खड़ी कर देता है, कहीं आ जाए तो वहां के जो मुसलमान भाई हैं वो भी कहते हैं धर्म ही हम जाट हैं।
तो ये हमारी कौम है जिसमें हर मजहब के लोग हैं, हिंदू मुसलमान जी के भाई कौम में सब है। ये अनोखी कौम है, ये बहादुर दिले कौम है, ये शेर कौम है, ये शेर बनकर ही जिएगी। अब जब सुनने आता है कि किसान खुदकुशी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका मैं कभी सोचता हूँ कि जाट और खुदकुशी, किसान और खुदकुशी, इसलिए कि शायद हम में खुददारी और वकार बहुत है। जाट कभी खुददारी पर आंच नहीं आने देता। बहुत से लोग बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, दिवालिया निकाल देते हैं। जाट कैसे दिवालिया निकाले, वो खुद भ्रष्ट है, उसमें खुदी है, वो खुदी पे आंच नहीं आने देता, इसलिए शायद जाट किसान हमारे आत्महत्या करे तो लानत है उन राज करने वालों का। अपनी खुद की कमाई है जो मुझे मिलती है, इसलिए मैं बचना नहीं चाहता था। सियासत में लोग बच जाते हैं। आज मैं बीजेपी का होते हुए मैं ये कहूंगा कि मैं हर जमात से ताल्लुक रखता हूं। मैं हिंदुस्तानी हूं, एक जाट हूं, एक इंसान हूं। मुझे अपने मुल्क में कुछ बनना आता नहीं था, तो शेर बनकर जीना है। हमारी गाँव को शेर बनकर जिए गए और भगवान ने चाहा कि गाँव हिंदुस्तान में बहुत खुश है, खुश रहिए। बहुत सा प्यार, बहुत सी दुआएं और अपनी बहनों को आज उनका नमस्कार। शोले का डाला बोलने को गया। अरे आजकल तो जगह जगह लोग टैंकियों पर चढ़ रहे हैं। बीकानेर में सरसों के वक्त पर जब पैसे नहीं मिले तो वो चढ़ गए टैंकी पर, कि सरसों के पैसे नहीं मिले तो कूद जाएंगे, फान जाएंगे, मर जाएंगे। बातचीत की आजकल तो पहले तो वीरू चढ़ते थे, आज तो बसंतिया भी चढ़ते थे।